चंद्रयान 3 ने दुनिया की स्पेस मार्केट में मचा डाला कोहराम। चंद्रयान 3 पर भारत ने लगाए थे केवल 615 करोड़ रुपए, एक झटके में भारत पर बरसे 31,000 करोड़ रुपए। दुनिया के दर्जनों देशों ने इसरो से अंतरिक्ष में मांगा सहयोग। जी हाँ दोस्तों, जिस बात को लेकर के भारत चल रहा था, जिस बात का यकीन था, उससे भी बहुत ज्यादा भारत को अब फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, जितनी कम कीमत में फिल्में नहीं बन पा रही, उससे भी कम कीमत में चांद पर चंद्रयान 3 उतार करके भारत पूरी दुनिया को चौंका चुका है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा खेल इसरो वैज्ञानिकों के जीनियस माइंड गेम का है और भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक साथ दो बड़े गेम हो चुके हैं। और दोस्तों, अब भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक साथ दो बड़े गेम एक साथ हुए हैं। एक है जियोपॉलिटिकल, जिसकी फील्डिंग टीम मोदी ने की है, तो दूसरा है एस्ट्रोपॉलिटिकल, जिसकी फील्डिंग इसरो वैज्ञानिकों ने की है। और बदले में अब जियो इकोनॉमिक्स पर भारत का डंका बुलंद हो चुका है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा गणित बहुत ही शानदार है और अगर आप इसे सुनेंगे तो आज आपका दिन बनने वाला है, क्योंकि हर कोई परेशान था कि रूस के मून मिशन लूना 25 से करीब 3 गुना कम कीमत पर भी चंद्रयान 3 कैसे कामयाब हो गया। क्या इसरो के पास रूस से भी पावरफुल सीक्रेट तकनीक मौजूद है? इसरो के सेंटर्स पर कभी बैन लगाने वाले अमेरिका की नासा क्यों इस बार जी जान लगा रही थी और अब 615 करोड़ रुपए लगा करके भारत ने केवल 2 दिन में ही कैसे 31,000 करोड़ का खेल कर डाला है। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए क्योंकि मामला बहुत ही जानदार है और ये आपको इसरो वैज्ञानिकों पर गर्व करने को मजबूर कर देगा। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों की इस मेहनत को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, खेल शुरू करते हैं सबसे पहले एस्ट्रोपॉलिटिकल पार्ट को लेकर के। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि असली खेल हमारे इसरो वैज्ञानिकों का है। भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस मिशन को कामयाब किया है, नई तकनीक अपने दम पर डेवलप की है। रूस के लूना 25 मिशन की कीमत 1650 करोड़ रुपए थी, जबकि चंद्रयान 3 केवल 615 करोड़ रुपए में तैयार हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ? ये सवाल अगर आप इसरो चीफ एस सोमनाथ से पूछेंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इसरो का टॉप सीक्रेट है। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स की नजर में इसरो का ये टॉप सीक्रेट 3 पॉइंट्स पर टिका हुआ है, जिसमें पहला है स्वदेशीकरण, दूसरा है सरलता और तीसरा है सस्ता मैन पावर। दोस्तों, पहली बात बताऊं यानी स्वदेशीकरण की, तो दोस्तों चंद्रयान 3 में सब कुछ मेड इन इंडिया था। लैंडर, रोवर या फिर रॉकेट्स, सब कुछ स्वदेशी थे। सारे पेलोड स्वदेशी हैं, कुछ नासा के भी हैं, लेकिन ये उनका अपना निजी मामला है। भारत को सबसे बड़ा फायदा सेविंग के मामले में रॉकेट से हुआ। रूस ने अपने रॉकेट को हैवी और ताकतवर बनाने के लिए एक्स्ट्रा बूस्टर्स लगाए थे ताकि ज्यादा गति मिल सके। लूना 25 को सीधे उन्होंने ट्रांस लूनर ट्रेजेक्ट्री के अंदर डाल दिया, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने करीब 41 दिनों की यात्रा की और चांद के ऊपर पहुंच गया। दोस्तों, इसरो के रॉकेट्स की बात करें तो वहां पर 90% स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं, सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल ही इम्पोर्ट किए जाते हैं। भारत में ज्यादातर चीजें घर में ही बनाई जाती हैं, यानी कि अपने ही देश के अंदर, लिहाजा उनकी कीमत कम हो जाती है। हम बाहरी कंपनियों से खरीद फरोख्त भी बेहद कम करते हैं, लिहाजा दोस्तों इसरो के किसी भी इक्विपमेंट की कीमत बेहद ही कम हो जाती है। अब दोस्तों, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो है इसरो की सरलता। तो दोस्तों, इसरो की अपनी एक मॉड्यूलर फिलॉसफी है, वो पुरानी तकनीक को अपग्रेड करके उसे नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर देता है। इसे आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, जिससे मिशन काफी सस्ता पड़ जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे जो GSLV, LVM और PSLV रॉकेट्स हैं, उनमें कई सारी चीजें कॉमन हैं। हमने रॉकेट बस में भी कई सारी चीजों को कॉमन रखा हुआ है। इन सभी चीजों से कीमत कम हो जाती है, डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाती है, इससे रॉकेट और सैटेलाइट्स की कीमत भी काफी कम हो जाती है। लिहाजा दोस्तों, अब दुनिया की नजर इसी वजह से भारत के ऊपर टिक चुकी है। वहीं दोस्तों, अब इसरो के तीसरे टॉप सीक्रेट की बात करते हैं और वो थर्ड पॉइंट है सस्ता मैन पावर। दोस्तों, इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो अमेरिका, यूरोप और रूस से मैन पावर के मामले में सस्ता है। भारत में काफी बड़े देशों की तुलना में मैन पावर की लागत 10% तक ही है। हालांकि दोस्तों, सस्ते मैन पावर को आप कमजोर या कमतर के तौर पर नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी बात टेस्टिंग की आती है तब इसरो की टीम कोई समझौता नहीं करती है। चंद्रयान 3 को भी दोस्तों
सैकड़ों बार टेस्ट किया गया था, क्रेन से और हेलीकॉप्टर से गिरा करके भी देखा गया था और इसका भयानक लेवल पर रिस्क एनालिसिस किया गया था। यानी दोस्तों हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने हर तरीका लगा करके बहुत ही कम कीमत और उपलब्ध संसाधनों में सफलता हासिल की है। और दोस्तों जहां दिक्कत आई वहां टीम मोदी ने मोर्चा खोल दिया है और वो है जियोपॉलिटिक्स का। दोस्तों चंद्रयान 3 के मामले में आपने देखा होगा कि आखिरी क्षणों में जो बात हो रही थी वो सबसे काम की बात थी, वो थी लाइव सिग्नल और ट्रैकिंग की बात, कि ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होने चाहिए। और दोस्तों ये बहुत महंगा सौदा होता है क्योंकि इसके लिए धरती के ऊपर बहुत बड़े बड़े एंटीनाज लगाने पड़ते हैं, पूरा का पूरा नेटवर्क डेवलप करना पड़ता है और इस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बॉस है अमेरिका, साथ ही इस मामले में यूरोप भी बहुत स्ट्रांग है बहुत पहले से ही। और दोस्तों चंद्रयान 3 के मामले में ये दोनों ही एजेंसियां जी जान से भारत के पास में आ पहुंची थी और उन्होंने इसमें बड़ा काम भी किया था, लेकिन ये हुआ कैसे? तो दोस्तों ये काम किया है टीम मोदी ने। मोदी ने इन तमाम देशों के साथ में बहुत सारी डील्स की हैं, बहुत सारी रणनीतियां इस्तेमाल की हैं जिनसे ये भारत के पाले में आकर के खड़े हो चुके हैं और जब मौका आया तो ये एजेंसियां इसरो के सपोर्ट में आकर के खड़ी हो गई हैं। मतलब दोस्तों यहां पर बड़ा गेम टीम मोदी ने किया है। और धरती से 384,000 किलोमीटर दूर चांद पर ट्रैकिंग में तगड़ी मदद तमाम एजेंसियों ने की है। अब भी लैंडर से संपर्क साधने में नासा भारत की महत्वपूर्ण मदद कर रहा है। नासा के पास अपना विशाल डीप स्पेस नेटवर्क है जिसने दुनिया के अलग अलग कोनों में बड़े बड़े एंटीना लगा रखे हैं। तो वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA के पास भी अपना इंटरनेशनल सैटेलाइट ट्रैकिंग नेटवर्क है जिसे एस्ट्रैक कहा जाता है। इस एस्ट्रैक नेटवर्क में 7 देशों में 7 स्टेशंस बने हुए हैं। वही दोस्तों इसरो ने कर्नाटक में अपना डीप स्पेस नेटवर्क बना रखा है, लेकिन दुनिया में नए विशाल एंटीनाज और नियंत्रण स्टेशनों का निर्माण बहुत महंगा पड़ता है, लिहाजा इसरो ने चंद्रयान 3 से जुड़े रहने के लिए नासा और ESA से सपोर्ट लिया है। और इसके बाद ही दोस्तों भारत वहां पर लैंड करने में कामयाब रहा है और अब दोस्तों भारत के लिए चंद्रयान 3 डॉलर्स की बरसात करने वाला साबित हो गया है। मतलब दोस्तों अब जियो इकोनॉमिक्स का तड़का भी भारत के अंदर तगड़ा धमाल मचा रहा है। दोस्तों इस नई उपलब्धि ने भारत के लिए अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। एक तो जहां भारत के ऊपर दनादन अरबों डॉलर्स की बरसात हो रही है तो वहीं दुनिया भर के कई देश स्पेस सेक्टर्स के अंदर भारत का सपोर्ट लेने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, वो लगातार संपर्क साध रहे हैं। मतलब दोस्तों एरोस्पेस से जुड़ी तमाम स्पेस कंपनियों की अब चांदी हो चुकी है। पिछले 4 दिनों की अगर मैं बात करूं तो स्पेस सेक्टर के अंदर 13 कंपनियों के मार्केट कैप के अंदर 31,000 करोड़ रुपए की तेजी आ चुकी है। इसरो को क्रिटिकल मॉड्यूल और सिस्टम सप्लाई करने वाली अनजान कंपनी सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में ही इसी हफ्ते 26% की तेजी आ चुकी है। इसी तरह दोस्तों एवेंटेल, लिंडे इंडिया, पारस डिफेंस और भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स के शेयरों में भी दोहरे अंकों में तेजी आई है। चंद्रयान 3 मिशन में योगदान देने वाली कंपनियों की लंबी फहरिस्त है, इसमें कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों इस मामले में लार्सन एंड टूब्रो ने सब सिस्टम्स बनाने से लेकर के मिशन ट्रैकिंग में योगदान दिया है, जबकि मिश्र धातु निगम ने लॉन्ग व्हीकल LVM3 M4 के लिए क्रिटिकल मटेरियल सप्लाई किया है। वहीं PTC इंडस्ट्रीज ने चंद्रयान 3 के लिए पंप इंटरस्टेज हाउसिंग की सप्लाई की है, जबकि MTAR ने विकास इंजन, क्रायोजेनिक इंजन और सब सिस्टम्स की सप्लाई की है। इसी तरह पारस डिफेंस ने मिशन के लिए नेविगेशन मॉड्यूल सप्लाई किया है, जबकि BHEL ने टाइटेनियम टैंक और बैटरीज की सप्लाई की है। दोस्तों माना जाता है कि चंद्रयान 3 की सफलता से दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हो चुका है। अभी ग्लोबल लेवल पर स्पेस मार्केट $447 अरब तक पहुंच चुका है, लेकिन अब दोस्तों इसके अंदर हिस्सेदारी भारत की केवल 3% ही रही है। अब आने वाले वक्त में ये बढ़कर के 15% तक पहुंच जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 तक ये काम हो जाएगा। जब ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री $600 अरब तक पहुंचेगी तो इसमें $50 अरब की बरसात अकेले भारत पर हो रही होगी। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।